Abhishek Kumar is founder of Firinchi Software Private Limited. Cobra Post reporter is completely charmed by Kumar's enthusiasm and enterprise. The reporter declares that he is looking to tie up with a company on behalf of an upwardly mobile Netaji. Kumar then begins his pitch by giving a crash course in viral marketing. आप समझ रहे हो, आप अगर इसको ऐसे समझो, इसको आपने सपोज करो 1 लाख लोगों को भेजा, ठीक है। अभी 1 लाख लोग क्या करेंगे, इनमें से कितनी भी हमारी किस्मत खराब होगी, अगर मान लो सिर्फ 2% लोग ही आपस में शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, सिर्फ 2%, ठीक है। तो इन 2% के अंदर जितने भी बाकी और लोग होंगे, ठीक है, वो इस लाख से फिर बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आपकी रीच 1 लाख तक है, 1 लाख तक, ठीक है। और उस 1 लाख में से कुछ बंदों ने यहाँ पे इसको शेयर करना शुरू किया, तो ये 1 लाख जो होंगे ये आपके बंदे होंगे, उनका डाटा आपके पास होगा, आपके लोगों में सारे वही आगे। ये पहला मेरा अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट, उसके बाद हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिएगा बीजेपी, एक एग्जाम्पल, अभी बीजेपी का हमें पता है कि 50 डिफरेंट लोग जो है बीजेपी पसंद करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उनको भेजते हैं इमोशनल चीजें, ठीक है, कि भैया बीजेपी है, अगर तुम्हें चेंज करना है, अगर लाना है तो तुम काम करो। ठीक उसी तरह से हमें ये भी पता होता है कि कौन सा आदमी बीजेपी पसंद नहीं करता है, हमारे ग्रुप में कम से कम, तो हम उनको उस ढंग से भेजते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे ये नहीं भेजते कि बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है, क्या अच्छा काम किया है, क्या खराब काम किया है, हम भेजते हैं बीजेपी क्या अच्छा काम किया टू देम, इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट बीजेपी। वो उनको लगता है कि कांग्रेस अच्छी है, तो हम उनको बताते हैं कि बीजेपी ने ये काम किया है, उनको उसके तरफ वायरल दूसरा चल रहा है। जो लोग एंटी हैं, जो लोग गुस्से में हैं, जिनको लगता है कि नहीं कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, हम लोग काफी परेशान हैं, उनको हम बताते हैं कांग्रेस अभी भी ऐसा ही काम कर रही है। अच्छा अच्छा, ये तो इसका प्रोजेक्ट अलग होगा या इसका भी एक ही प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मतलब अलग अलग तरह से पॉजिटिव तो हमारे लिए होगा और नेगेटिव उसके लिए होगा, हर एक केस में, क्योंकि केस में एक आदमी को मतलब मारने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। नाउ दिस हैज टू बी कोट ऑफ द डे, अभिषेक सेज एक आदमी को मारने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभिषेक सीम्स वेल एजुकेटेड एंड स्ट्रीट स्मार्ट। ही एक्सप्लेन्स टू द रिपोर्टर हाउ हिज कंपनी डिजाइन्स सबलिमिनल मैसेजेस टू गेन द ट्रस्ट ऑफ अ जेन्युइन ऑनलाइन यूजर। ही शोज हाउ हिज कंटेंट राइटर्स प्रिटेंड टू बी अनबायस्ड इंटरनेट यूजर्स इन ऑर्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिटी सो दैट इन द फ्यूचर दे कैन प्रमोट स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और एजेंडा थ्रू दिस नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। कभी भी हम लोग डायरेक्ट मार्केट डायरेक्ट जो बातें हैं ना वो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये क्या किया, ये किया, हमने झंडा दिखाया, ठीक है, हमने 6 झंडे दिखाए भारत के, ये भारत का पहला झंडा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि खाली हम किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट बायस्ड, ठीक है ना, वी आर ओके, हम सबकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, इनको दिखाया कि हमारा झंडा ऐसा हो गया, और उसके बाद हम इसको कोई दूसरा मैसेज, एक ऐसा मैसेज डालते हैं कि देखो आप सामान खरीदते हो, इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं, उसमें ये मार्क होता है, आपने भी शायद कभी नोटिस किया होगा, पीछे बैक साइड में होता है, टूथपेस्ट वगैरह में, तो इसका मतलब होता है कुछ। अच्छा अच्छा, हमने इसका लिखा कि ग्रीन का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, ब्लैक का, कृपया शेयर करें, देखा ना नीचे। तो इससे क्या मतलब होता है, इससे क्या हुआ कि अब आप, मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी लोगों को, आपके लिए, आपको बता रहे हैं, आपको अच्छा वाला प्रोडक्ट लें तो उसका पीछे कोई आदमी आपको ट्रस्ट क्यों करेगा, जब वो जानेगा कि कुछ अच्छी बातें भी आप करते हो, ठीक है। इंडीड, why will anyone trust you unless you are known to be unbiased? Kumar creates a strong foundation of trust with his users, only to manipulate that very trust at a strategic time. In his words, कोई आदमी आप पर ट्रस्ट क्यों करेगा? जब वो जानेगा कि कुछ अच्छी बातें आप भी करते हो? Now pay attention to how he uses that trust to further his business agenda. He has an army of content writers at his service. हमारे content writer हैं, बैठ के सोचते हैं कि हम क्या-क्या बनाएं psychological. इन्फॉर्मेशनल चीज भेजी, तो ये झंडा देखो हम आपको बता रहे हैं कि 5 तरह के, 6 क्षेत्र के झंडा, अभी 15 वर्ष आ रहा है, ठीक है, तो हमने इस तरह की बातें करी, अब लोगों को लगा कि हाँ अच्छा, इसके बाद मैं पिटूंगा एक चीज और, ये रहा मान लो,
मैंने डाल दिया ये वाड्रा वाला केस। ये वाड्रा वाला आपने डाला कांग्रेस का हाथ दामाद के साथ, बड़ा अच्छा नाम दिया यार आपने, है ना। तो ये क्या होता है कि हम लोग यार ये बहुत जबरदस्त चीज है कांग्रेस का हाथ दामाद के साथ। अब हाथ कम मट्टी बढ़ जाएगी। बस हमारा क्या होता है कि हम जो मैटर अभी बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है अभी करंटली हमारे कंट्री में, ठीक है, हम उन मैटर्स को उठाते हैं, हमारे कंटेंट राइटर हैं, बैठ के सोचते हैं कि हम क्या बनाए साइकोलॉजिकल, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो यहाँ के बंदों के लिए, यहाँ के बंदों के लिए जो है डायरेक्ट हिट करे। अभी मैंने आपको बोला तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? सब कंटेंट राइटर है। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी है बंदे, वो लोग क्या करते हैं लिखते हैं, हम लोग तो उनको आगे मार्केट करते हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं, युवा है हमारे साथ, हमारे कम से कम Abhishek tells the reporter that this brilliant subterfuge is achieved through the content writers in his team. He says, "Hamare content writers hain, baith ke sochte hain ki hum kya kya banaye. Wo log kya karte hain, ye likhte hain. Hum log to unko aage market karte hain." Abhishek further reassures the reporter that his company works in such a way that they appear to be completely unbiased and non-political online. They appear more like social educators rather than propaganda companies. In addition, there is never any direct link between a political leader and his company. In his words, unko kya pata hai? Unko to hum market kar rahe hain. Hum to keh rahe hain ki bhaiya humne jo cheez paya, wo hum aapko bata rahe hain. Aap isko vote kariye. Isne hum log ka kaam kya hota hai ki hum आपको जो भी मैंने अभी मैसेज दिया वो मैसेज कहीं से भी ये नहीं है कि हमने ये मैसेज कहीं से बायस्ड होके लिया है। हमें जो मिला हमने चाहा, इसमें जो हमारा यहाँ से ईमेल एड्रेस उसका तो पता चलेगा, हम लोग सब पता चलेगा, वो हमें रीच भी कर सकते हैं, ठीक है, हमें जाने भी, लेकिन उनको क्या पता है, उनको तो हम मार्केट कर रहे हैं ये चीज, हम तो कह रहे हैं कि भैया हमने तो जो चीज पाया हुआ हम आपको बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम कहाँ कुछ गलत कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप भैया जो न्यूज में आ रहा है वो छाप रहे हैं। तो आप नवंबर तक हमारे साथ कितने लोग जोड़ देंगे? देखो सर, अब ये जो होता है ये है वायरल फीवर, ठीक है, अच्छा अगर डाल दिया एक बार किसी के अंदर, ठीक है ना, तो वायरल ही सबको संक्रमित कर ले, यही काम हमारा होता है। Kumar tells the reporter that internet marketing is like viral fever. He says, ye jo hota hai, ye hai viral fever. Even if the cause of the disease is traced back to Kumar's company, the source of the germ will never be known. His company is a mail carrier and those most likely to be infected are between 18 and 35 year olds. जो वोट करें वोट करेंगे, ठीक है, आप सब 20 साल 18 साल से ऊपर के बंदे, वही बंदे चाहिए, वही चाहिए हमें। और ये जो ग्रुप है ये 35 साल तक के लोगों को एकदम पकड़े, 35-40 जो भी है 35 तक तो एकदम पकड़ा हुआ है, ठीक है, भले ही 40 वाले हो ना हो, 35 वाले गजट के टाइप से पकड़े वही वोट करेंगे और हम उनको टारगेट करते हैं। अब ये तो खाली एक माध्यम हो गया आपको जो मैंने दिखाया, ऐसे कई माध्यम है हमारे पास, अच्छा, ठीक है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास लिंक्डइन है, हमारे पास डिफरेंट गूगल पे सर्च करो। So, Kumar's online marketing is specifically directed towards the age group of 18 to 35. He further manages to capture the reporter's attention by informing him about his star client, Narendra Modi. He claims that part of Modi's campaign has been sublet to him. बीजेपी के मोदी के कैंपेन के लिए, याद है बेंगलोर वालों ने टाइप किया, कौन सी कंपनी गया मोदी, एक है कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उन्होंने टाइप किया उनके साथ मोदी कैंपेन के लिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप ही कर साइड, ठीक है, अरे तो यार बहुत बढ़िया, तो आप तो हमारे आदमी निकले बिल्कुल बड़े कि उतना बड़ा जो कैंपेन है वो किसी पार्टी के समझ से कंपनी के समझ से बाहर है, क्योंकि पूरा नेशनल लेवल पर लोकसभा के लिए होना है, हो रही है पूरा, हाँ, तो उसमें क्या हम लोग करते हैं कि वो हम थोड़ा सा साइड से काम होता है कि आप इसको करो,
सबलेट जिसको बोलते हैं आप हम बता रहे हैं। अच्छा वो दिए काम जैसे मतलब सबलेट कर दिए तो आपके पास भी आ गया मिला उनको है कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। अच्छा वो डायरेक्टली थोड़ा काम करेंगे बाकी कई ऐसे चैनल को पकड़ के रखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपको काम दिया तो अगर मान लो मुझे अहमदाबाद में जरूरत है तो आप भी किसी को अहमदाबाद में पार्टी में ढूंढ लोगे ऐसे ही सीन कोई छोटे मोटे या डेयर मतलब तो जैसे अहमदाबाद जो आपको कंपनी पेमेंट कर रही है वो कर रही है बैंगलोर वाली कंपनी समझ गए कहानी पता नहीं चलती वो आपको चेक से कर रही है पेमेंट कैश कर रही है हम लोग तो कैश ही इसका हमारा भी कैश ही लीजिए आप हमारा भी अमाउंट कहीं पर भी Kumar reveals the convoluted manner of online marketing business. He tells the reporter that Modi's work has been assigned to a large Bangalore-based social networking firm. That firm further sublets the job to Virinchi Software. Since Kumar is paid by the Bangalore-based company, there is no link establishing his link with Modi. He says, "Phir koi kahani pata nahi chalti hai." And sure enough, the award is in cold hard cash, and hence no paper trail. He reveals, "Hum log to cash lete hain." Subliminal messaging followed by large transactions in cash. The story only gets murkier under the facade of creativity. चार महीने में ज़्यादा नहीं आप और सुनो आप और सुनो आपके सुन लो पहला पॉइंट चाइना इंडिया में घुस रहा है हाँ ठीक है वो छोड़ो बस मोदी गुजरात और 2012 या 2002 या पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है हमारे सैनिकों के सर काट लिए वो छोड़ो बस मोदी गुजरात और 2002 याद रखो वो 1984 का दंगा ठीक है सिख किड्स चारा घोटाला सिख जो हमारे बड़े चारा सिंह चारा घोटाला वो छोड़ो बस मोदी गुजरात और 2002 याद रखो ठीक है बलात्कार बढ़ते ही जा रहे हैं वो भी छोड़ो बस मोदी गुजरात 2002 याद रखो सिविल एविएशन FDI घोटाला वो भी छोड़ो ठीक है बस मोदी गुजरात और 2002 याद रखो बरेलू मऊ घनपट्टा फिर आपका दंगे BSP की सरकार UPA का सहयोग वो छोड़ो 2002 मोदी याद रखो मोदी याद रखो आसान तो ये कंटेंट ये कैसे बनाते हैं आप ये दिमाग में कहाँ से आता है आपके इतने लोगों ने इसको लाइक किया और रिपोर्ट एक लाइक मतलब समझो उसके पूरे फ्रेंड्स को ही चाहिए मतलब 1,800 लाखों करोड़ लोगों तक ये पहुंच गई बात और देखो यहाँ दबा के ये किसने बनाया इसको ये कंटेंट राइटर्स ये ऐसे लोग हैं ये आपके पास हैं तो वही बनाएंगे इस तरह के मटेरियल ये तो बहुत अच्छा है इस तरह से उसकी छवि बिल्कुल धूमिल हो जाएगी लोग पूरा काम जो है वो हिंदी में करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा The content writers employed by Kumar know how to selectively present data and facts in such a way that the reader is forced to come to a specific conclusion. All this while, the content writer appears to be an unbiased common internet user. Kumar gives another instance of the creativity of his content writers. He tells the reporter how he picks up different issues for his agenda. इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी की पार्टी में 1983 में जो इलेक्शन 84 में हुए 83 या 84 में हुए थे ठीक है उसमें प्याज दिखा दिखा के वोट लिया था आज सरकार जो है 70 रुपये प्याज बिक रही है अच्छा प्याज को ही बनाया जाएगा इशू प्याज को प्याज भी अभी हमारा कंटेंट प्याज पे जाने वाला है प्याज पे ही आपका कंटेंट रहेगा तो प्याज को इशू बना के फिर हम उसको अच्छा प्याज हर बंदे को चाहिए घर घर तक पहुंचती है भाई आज अगर मान लीजिए माता जी को बनानी है किसी को बनाना है तो उनके आज आपके घर में प्याज की कटौती होगी आपको जो इसी को इशू बनाया जाएगा तो हम क्या करते हैं हम रियल कंटेंट उठाते हैं लोगों को उसको फाइट करते हैं कि जो हिट करे क्योंकि हमारी जनता जो है गोली वाली It's about time we declared onion as the national vegetable of our country. Kumar believes that the people of India are naive and all his campaigning is based on this sentiment. Feed them anything and it will be well received and very well digested. In his words, hum kya karte hain hum real content uthate hain logon ko usko bind karte hain kyunki hamari janta jo hai bholi bhali hai. We hope the entire country is listening. And here is a special call to all Indians addicted to Facebook. You are easy prey to social media consultants such as Kumar, who believes Facebook is a disease. He says, "हमारे देश में एक बीमारी है, उसका नाम है Facebook. इस बीमारी से हम लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं." Digital world का काम करता है,
देखिए इसमें हम क्या क्या करते हैं, हमारे देश में आज बीमारी है उसका नाम है फेसबुक। बिल्कुल, इस बीमारी से हम लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर हम बनाएंगे एप्लीकेशन, इस पर हम बनाएंगे गेम्स खेलने के लिए, जिससे लगेगा कि आप प्याज से खेल रहे हैं। ठीक है, आपके पास प्याज होना चाहिए। ये सब कॉमिक है, जैसे सुषमा स्वराज ने कुछ लिखा, ठीक है, उन्होंने अपने इस पे लिखा, अब सुषमा स्वराज जी ने जो भी बातें लिखी, अब हो सकता है उनको मान लो 50,000 लोग फॉलो कर रहे होंगे, तो खाली 50,000 लोगों तक पहुंचे, हम क्या करते हैं सुषमा स्वराज जी की बात को हम बाकी और जगह पहुंचाने लगते हैं उन्हीं की बात को, तो हमें कुछ अच्छा लग गया कि उन्होंने कुछ लिखा। जैसे अभी आपको याद होगा अभी ये जो जम्मू कश्मीर में जो कर्फ्यू हो रहा था किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में, तो अभी इनको क्या नाम है सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया उसी समय उनको, उमर अब्दुल्ला को, कि भैया ये क्या हो रहा है कुछ देखो। चार ट्वीट से जो इंटरचेंज हुई थी उनके, उमर अब्दुल्ला और सुषमा स्वराज के बारे में, लास्ट में सुषमा स्वराज ने ये लिखा, आई डोंट नो एनीथिंग बट आई वॉन्ट टू टेक द इमीडिएट एक्शन सो दैट इट कैन बी स्टॉप्ड। उनका कहना था कि भैया आप कुछ भी करो लेकिन इस चीज़ को रोको। चाहिए बहुत सही बात है, हमने क्या किया उसको वायरल करना सर। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए पता चला कि विपक्ष जो बैठा है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। अभी कांग्रेस क्या कहती है कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, विपक्ष की भूमिका है आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब जेन्युइन लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल कि हमने बनाया या उसको फॉलो करा है। इट डज सीम इजी टू मैनिपुलेट अ नाइव ऑडियंस। Kumar totally understands the unethical nature of his business. He explains to the reporter how he will make his content writing teams sit at different locations in and around his office. This will eliminate the possibility of any direct link between his company and Netaji to the online propaganda material generated by the content writers. He says, "Aisa nahi karna chahiye ki ye kaam hum kar rahe hain." इसमें फेसबुक ट्विटर के लिए यहीं पे टीम बिठाएंगे आप अपनी, यही हमारे घर बैठा सकते हैं ना, मैं बिठा सकता हूँ लेकिन यहाँ पे से कुछ अलग बिठाऊंगा, यहाँ से अलग ना, वो सब अंदर की प्लान देख, कहाँ बिठाओगे आपने, पब्लिक फ्लोर पे बिठाऊंगा, दूसरे फ्लोर पे बिठाऊंगा, यहीं पे ठीक है, दूसरी जगह बिठाऊंगा। वो क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि आप एक जगह पे नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं इसी ऑफिस से हो रहा सारा काम, तो समझ लो ना। बताओ जैसे मोबाइल का ट्रेस कर लेते लोकेशन, क्या इसकी भी कोई ट्रेसिंग नहीं मिल जाता है क्या, मैं अपनी सेफ्टी क्या होता है कि ट्रेस हो जाती है, हाँ मोबाइल से ट्रेस हो जाती है, नहीं नहीं इंटरनेट से, ये इंटरनेट से कोई नहीं जानता कि हाँ कहाँ का बंदा है क्या है, बस पोस्टिंग। आप एक बात बताओ मुझे, रियल फैक्ट की मैंने बात करी आपको, सुनो मेरी बात, आपको मैंने 2 लाख लाइक करवाए, अब 2 लाख अलग बंदे हैं, आप किसको ट्रस्ट करोगे, 2 लाख लोगों को कोई नहीं कर पाएगा, इतना पॉसिबल नहीं है, वो सब आपके पास है डाटा, सारे लोग हैं आपके पास पक्का, मेरे यहाँ लोग पहुँचने वाले हैं। Such is the confidence of our online marketing man. He tells the reporter that even if the fabricated Facebook likes are discovered, it will be impossible to trace lakhs of individual accounts involved. In his words, आपको मैंने 3 लाख 2 लाइक करवाए, अब लाख अलग अलग बंदे हैं, आप किसको ट्रेस करोगे, 2 लाख लोगों को करोगे? Kumar will generate negative propaganda with similar confidence. पॉजिटिव के लिए तो आप कहीं पे बिठा लिए, नेगेटिव के लिए अलग बिठा लिए, इसमें क्या होगा, इसमें सेम बातें होंगी, जो अच्छा कर रहे ना वो सेम चीजें भी चलेंगी, सेम वही सेम चीजों का अपोजिट, तो जैसे कुछ फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, अब वो तीसरा बता रहे हैं कि देखो वेबसाइट में क्या होगा, हम उन कैंडिडेट के बारे में लिखेंगे जो भी कांग्रेस के, ठीक है, उन पर लिखेंगे कि उन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, देखो आज तक ये इनके राज्य में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा इतनी बलात्कारियाँ होंगी, इतनी चोरियाँ होंगी, इतनी फसाद हो गए, इतने सारे ड्रामा हो गए, ये होता है उनके बारे में लिखना, ठीक है, वो निगेटिव
जैसे अब ये चल रहा है मोदी जी वाला, मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ कर पॉजिटिव चल रहा है, नहीं मोदी की तो फेवर में चल रहा है ना, पॉजिटिव कर रहे हैं आप लोग, नेगेटिव कांग्रेस के बारे में कर रहे हैं, तो कांग्रेस के बारे में जैसे वही हम करवाएंगे तो Kumar acknowledges that he has set out a negative campaign against Congress party. Any guesses who he employs to produce the content? Turns out, students of journalism and mass communication write high quality and electorally relevant material for such campaigns. कितने लोगों की टीम करेगी इस पे काम? 20. कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20 लोग चाहिए. सारे आईटी के बंदे होंगे. हाईफाई. हाईफाई. तो ये जो मास कॉम के होंगे लड़कियां. वो क्या करेंगी? मुझे मालूम नहीं करना यार, ये आपको बता, मेरे काम से मतलब है, काम से मतलब आप रखो, जर्नलिस्ट होंगे, मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स, जो कंटेंट लिखेंगे इसी तरह के जो बनाएंगे, अपने बूढ़ों को देखा है 60-70 साल के पार्क में शाम को सुबह मिलेंगे जिसके ग्रुप जाते हैं, हाँ, तो कार्ड खेलेंगे, हाँ, 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 सही बात है, ताली बजाते रहते हैं, उनके पास हमारे लोग जाते हैं, उनको जरा बैठ के घंटा ब्रेकवास करेंगे, वो हमेशा वही बात करेंगे, समझो बात को, वो जाके घर में भी वही बात करेंगे, ये पार्टी अच्छी है, ये बंदा काम कर रहा है इसके बारे में मुझे, तो क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन खराब कर रहा है कौन अच्छा कर रहा है, उनको तो जो बताओगे वो उनको पता है, ठीक है, तो ये हमारी मतलब सुबह सूरज निकलती ही मार्केटिंग शुरू हो गई, मॉर्निंग में रात तक मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल भी हो रही है, ऑफलाइन भी हो रही है, अगर ये दोनों करवाओगे, ठीक है, From students of mass communication to retired men on morning walks, Kumar has crackling marketing. What about the cost of the entire exercise? Well, negative propaganda does not come cheap. Content आपका ये याद रखना. अगर मुझे content लिखना पड़ा तो मुझे पड़ेगा. Content भी आप लिखिए ना. मुझे content का ही बताइए ना आप. यार आपने इतना बढ़िया लिखा है वीर वडेजा के बारे में, इनके बारे में, तो वो इसी तरह का चाहिए हमें. हम कहाँ से लाके देंगे आपको इतना? आपको ये जो हायर करने पड़ेंगे उसका खर्चा बढ़ जाएगा, सब प्रोफेशनल होंगे, सारे हाई फाई बनते, कोई इसमें ऐसा नहीं होगा की लूप होल होगा, कोई गड़बड़ होगा, ये सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो हमेशा गलत ही बोलते हैं, वो चाहिए हमें, इतनी कच्ची उड़ा दी, इतना कर दी कि उसको घर से निकल कर भारी हो जाए, लोगों का क्या होता है, हम लोगों को अगर मान लो किसी को 20,000 दे रहे हो तो इन लोगों को 40 देना पड़ता है, लेकिन बंदे ऐसे होने चाहिए इतना बुरा लिखे उसके बारे में, उसके बच्चे भी कहने लगे कि हमारे पिताजी भी गंदे आते हैं, ऐसा कह दें, बस इलेक्शन से 10 दिन पहले एक बड़ा अटैक जिससे कि हमारे वोट का अंतर जीतने का ज्यादा हो जाए, बस वो हमारी प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा उसका जी। Kumar knows exactly the kind of people who can do a good job of negative propaganda. They will be smart, thorough and negative thinkers. He assures the reporter, कोई इसमें ऐसा नहीं होगा कि loophole होगा, कोई गड़बड़ होगा। ये सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो हमेशा ही गलत बोलते हैं। There will be no proof of appointment for these people and they will be paid in cash. अपनी सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ, नेगेटिव वाली मार्केटिंग के लिए, तो क्या इंटरनेट में भी कुछ ऐसे ही होता है क्या? नहीं, देखो इसमें क्या होता है, इंटरनेट में अगर हम काम करते हैं तो सब नेगेटिव वाले होते हैं, सब नए बातें होते हैं, समझे नहीं आप? अगर मान लो हम नेगेटिव आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तो हूँ तो मैं रियल आदमी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो कबाड़ ना कबाड़ लूँ, लेकिन मैं हूँ इंडिविजुअल आदमी, मैं बायस नहीं, वो तो हम कहीं से भी हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, तुम कहीं से भी हमारे, बात समझो मेरी, मैंने आपसे बोला कि आपको जो मैं मांगूंगा वो एक सेपरेट प्लेस मांगूंगा, इनकी सैलरी डबल होती है, तो इनको आप लेटर बेटर तुम दोगे ना,
कुछ नहीं है, तो इनको ना तो लेटर दिया जाएगा ना अपॉइंटमेंट होगा, सैलरी आप कह सकते हो इनको कैश, सबको कैश आपका पार्ट इस्तेमाल ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे कहने का, ये काम में हम एक्सपर्ट है इसमें, तो एकदम एक्सपर्ट है ठीक है ना, कहीं पे इस बारे में दिक्कत नहीं है, हमें पता ही काम कैसे करना है। The unethical gets closer to the illegal. Kumar tells the reporter that he will use fake documents to get Wi-Fi connections. With such audacity on display, the reporter can rest assured that Kumar knows his job. Kumar tells the reporter, "ये काम में हम expert हैं. इसमें तो एकदम expert हैं. ठीक है ना? दिक्कत नहीं है. हमें पता ही है काम कैसे करना है. After all, he is already engaged in a project of larger import." मोदी जी के लिए काम कर रहे हो खाली यहाँ सब जगह कर रहे हो खाली नहीं, अभी, अभी अभी खाली यहाँ के लिए दिल्ली का कर रहा हूँ खाली, आपको सिर्फ दिल्ली का काम अभी फिलहाल दिल्ली दिल्ली का मिला, क्योंकि ये है ना ये बहुत बड़ा काम है आप नहीं समझ रहे, और ये काम हम बहुत स्लो स्पीड है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं इसमें जो ये One does but wonder what kind of marketing he does for his star candidate. He has a campaign plan even during the 3 days before the election. Bear in mind that the Election Commission puts a ban on the campaign for 3 days before the election. एकदम पब्लिश हो जा रहा है क्योंकि उस समय आपको क्या होगा हमारे चुनाव नियमों से क्या नियम है, कोई पार्टी अपना ही प्रचार नहीं कर सकती है? कोई पार्टी हाँ एक दो दिन पहले बदल जाता है ठीक है, पार्टी प्रचार नहीं कर सकती ठीक है, मैं चाहूँ तो नहीं बोल सकता हूँ बीजेपी को वोट दो, हाँ सही बात है, कभी कभी कहा है सही बात है, ये मालूम नहीं होगा पेमेंट सी हो रहा है, अरे तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए, बता रहा हूँ अभी बहुत सारी चीजें हैं सर राजीव सर, मैं तो लिखूं मैं आ रहा था अभी नहीं लिखूंगा अभी इस पे बात कर रहा हूँ सर, उसका खर्चा पे पड़ेगा नहीं कहां पड़ेगा इसलिए वो नहीं दे फिर प्रॉब्लम नहीं, मैं करूँ इस पे आप पहले बात करो, मैं ये सब रखा हूँ आपके लिए चिंता ना करो, ऐसे बहुत सारे मैं आपको क्या बोला था ये जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ ये बस खाली एक मना सब्जेक्ट टुकड़ा है ठीक है, अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको कि प्लान क्या है ठीक है, अभी कुछ भी नहीं बताया आपको, जब प्लान बताऊंगा तो आपके भी आगे खुली हो जाएंगे ठीक है, कि क्या कर रहा है ये बंदा ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव प्लान। Kumar figures out a way of circumventing the rules prescribed by the Election Commission of India. He demonstrates an application which is capable of continuing the campaign on mobile devices even during the 3 days that campaigning is banned. His argument is that the ban applies only to the politician and his party and not to the common man. He says, "Party prachar nahi kar sakti, theek hai. Main chahunga to nahi bol sakta hu ki BJP ko vote do." How much will Kumar charge for the price of one like on Facebook and one follower on Twitter? वैसे अगर मान लीजिए किसी को लाइक्स की जरूरत पड़ जाती है फेसबुक पर ट्विटर की, तो कितने का कितना खर्चा आ जाएगा, तरफ मोटा साइज माइंड में हमको थोड़ा सा मतलब 2-2.5 लाख रुपये चाहिए किसी को इमरजेंसी में फेसबुक पे लाइक और ट्विटर, तो कितना खर्चा आ जाएगा खाली फेसबुक और ट्विटर, वो कमेंट फॉलोअर जो होते हैं जिनको बोलते हैं 2 लाख का, यही लगा लो कि कम से कम 10 रुपए का एक लाइक मिनिमम, 10 लाख 10 रुपए का, और ट्विटर पे लगा लो 1-10 रुपए का पड़ेगा 25 का, तो यानी कि अगर मान लो 2 लाख चाहिए तो कितना पड़ेगा, 25 लाख 25 लाख ट्विटर और 10 रुपए के हिसाब से कितना बोला, इसमें कितना आपको 2.5 लाख चाहिए था ना, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 20 हो गए फेसबुक पे, 20 हो गए
फेसबुक में 20 लाख, और उस पर अगर 25 लाख 45 लाख का खर्चा है, अगर किसी को इमरजेंसी में, मतलब ऐसे बंदे को मैं पूछ रहा हूँ जनरली, ये रेट है ये आज For all of you prospective candidates in the coming elections, take out your Excel sheets. Kumar quotes the standard rate for purchasing followers on Facebook and Twitter. He says, यही लगा लो कि कम से कम 10 रुपए का एक लाइक मिनिमम मान के चलो. ट्विटर पे लगा के एक यूनिट आपको कम से कम 25 रुपए का पड़ता है. In order to completely win his client's confidence, Kumar reveals a tiny part of his plan. Turns out, every inch of the tiny plan is explosive. भी छपेगा तो मीडिया में भी हाइप हो जाएगा, उठी जाएगी मीडिया में, लोगी कि 1 लाख 2 लाख लोग इनको देख रहे हैं. अच्छा ये एक थी सुकन्या देवी, सोनिया संस, राहुल हैं कहाँ पे क्या मतलब देगा ऐसे ही लोग, ये रेप के मामले में राहुल गांधी का कैसे मतलब, नीरज कौशिक इधर उधर घुमा फिरा के रखते हैं, ठीक है हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसे मिलो अच्छा इस लड़की ने रेप इसमें किया था कहाँ पे, वही तो है नीचे लिखा हुआ, ये सब बातें जो है यही रंग है, ठीक है ये इलेक्शन से पहले फोड़ लिया निगेटिव मार्केटिंग, तो ये इलेक्शन से पहले आप इसको निकाल लेंगे. That is a masterstroke. Kumar reveals his intention to make defamatory information go viral on the internet just a little before the elections. It seems like all the on-ground evils of election campaigns have been ported online. Playing on the psyche of the masses, exploiting browsing habits of netizens, defaming the opposition through subliminal messaging, and grossly misleading the voter sentiment. The power of words is exploited through students of journalism and mass communication. Sadly, these are the very people who we as a nation are investing to build as the voice of the nation. Companies such as Virinchi Software Private Limited are hired by the political parties to produce inflammable online content. In a politically volatile country such as ours, this throws a big question on the veracity of online content, intent and ethics of the major political parties. Cobra Post reporter meets Abhishek Kumar on another day with yet another proposition. Before he could present his proposition, Kumar produces another whiplash that will leave you looking for a shock absorber. He tells the reporter that the group of social media companies engaged in Modi's online campaign had laid the foundation for the Sardar Vallabh Bhai Patel controversy that made headlines in late October this year. हमारे घर वो हम अभी देख रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस नहीं करते.
Abhishek's company is one among the group of companies in Bengaluru which are engaged in such creative ideation. Abhishek says they operate on a weekly cycle where all ideation is put to execution on every Monday. In his words, हमारा हमेशा हमेशा एक एक वीक का प्लान रहता है और मंडे से क्या होने वाला है वो मंडे को सुबह 9 बजे पता चलेगा. He confesses to the hidden camera that all their activities are geared against the Congress and in favor of BJP. Listen in to Abhishek's strategy to garner the attention of citizens of Delhi. जुड़े थे कुछ काम था अपना बीजेपी वाला जो कैंपेन दिल्ली का, तो यहाँ तो हमारी बीजेपी वाली थोड़ी चेंज हो गई सिस्टम, नहीं तो हम लोग तो काम कर ही रहे होते. टिकट मिल जाएगा हवाई नेता जी को, टिकट मिल जाएगा नहीं हवाई लेकर काम कर रहे. हम लोगों का मकसद ये होगा ना कि आपसे जितनी भी जनता है आप दिल्ली को ले लीजिए, जितनी जनता है अगर ज़्यादातर फेसबुक इंटरनेट दुनिया से जुड़ी है, अगर आप उन तक अपनी बात नहीं पहुँचाएंगे तो आपकी बात अधूरी है. आज देखिए कोई माइक लेके यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है भाषण, क्योंकि बस टाइम नहीं कि जाएगा भाषण सुनने. आप देखो कानपुर में रही हुई दो काम कर रही हुई, पटना में रही हुई दो काम कर रही हुई, फेसबुक पर खुले के माहौल बना रही, लेकिन जब दिल्ली में भीड़ हुई नहीं, सॉरी नहीं जनता में जो भीड़ होनी चाहिए थी, जो हमने टारगेट किया था मोदी जी के लिए कैंपेन किया नहीं, हमें हमें आगे बोला गया कि भैया दिल्ली में इतनी भीड़ कम हुई, हमने सीधा सीधा ये बात बोला कि भैया दिल्ली के लोग थक गए पीजिए हाँ, और यहाँ पे लोग जो है इस काम के लिए नहीं जाएंगे, कानपुर पटना इलाहाबाद में लोग आ जाएंगे, खाली लोग उनको आप हाँ कर सकते हो. यहाँ के लोगों को अगर आपको पहुँचना है तो इंटरनेट के माध्यम से पहुँचे, बैठ के बहुत जो है ना इंटरनेट चला रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उन सब करो आप. अब हमने क्या किया, कैंपेन बनाया मोदी जी का, अब उस पोज पर अभी तक हमने 20 लाख लाइक करवा दिए, अभी हो गया करीब 4.5 महीने हो गए. तो वो जो आपने बताया था हम अपने ग्रुप के लोगों से नीचे करा देते हैं यार 20 लाख पहुँच गया. Abhishek says that unlike those in Patna, Allahabad and Kanpur, the people of Delhi are very busy. Since they are most likely to be online most of the time, they are best addressed through social media. He describes how he has been instrumental in generating 20 lakh likes for an online campaign page set up for Narendra Modi. He says, किसी रैली में जाने के लिए लोगों को खाली होना जरूरी है, जो कानपुर, पटना और इलाहाबाद के लोग हैं. और दिल्ली के बिजी लोगों के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ के लोगों को मगर आपको पहुँचना है तो इंटरनेट के माध्यम से पहुँचना है. अब हमने क्या किया, एक कैंपेनिंग बनाया मोदी जी का, उस पेज पर अभी तक हमने 20 लाख लाइक करवा दिए हैं. Clearly, Abhishek has tapped the pulse of the state of Delhi. Well then, the reporter comes to the purpose of the meeting. Anirudh Bahl of Cobra Post is becoming a difficult force to reckon with. Our Netaji wants him defamed on social media. ऐसा गेम बना रहे बंदे का अनुरोध नाम उसका, ठीक है पूरी खाली रखो. अरे करेंगे कैसी बताओ, पार्टी खाओ तो बंदे क्या है, ये कमेटी लिख के दी इनको छपा दे. दूसरी बात
ये मालूम कर रहे थे कि जैसे मान लो ये लिखते हैं अनुरोध अपने कर्मचारियों को कई महीने सैलरी दी है, अनुरोध अपने सहकर्मियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, अनुरोध अपने दोस्तों को पैसे गबन करने का अदालत में चक्कर लगा रहा है, इसमें लिखा जो इनके ऊपर मर्डर का भी आरोप है, डुप्लीकेट ड्यूटी थाने में कोई होगा, ये इंपॉर्टेंट है ये सब आ जाएगा छात्र व्याप इसके तो कितने लोग इनके वो आ जाएंगे, मतलब आप जानने वाले नहीं नहीं जानने वाले नहीं, आप इनको कितना बदनाम कर देंगे, कितने लाइक्स और कितने जो जितना आपने 12 पॉइंट ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने इसको एक बार लिखा और हमारा काम खत्म, एक बार को हमें बहुत से बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है। Promotion or defamation of an individual online is child's play for Abhishek Kumar. Just where does he get the confidence of such effortless defamation of an individual? He says it is his moralic right to voice his opinion as an individual. इस बंदे अगर जाके पुलिस को कंप्लेन नहीं करता कि भैया मेरे पीछे एक आदमी पड़ गया है, तो पुलिस क्या देखेगी कि ये बंदा तो डेलीवरेटली उसके पड़ा हुआ है या नॉर्मल थॉट रखता है, क्योंकि तो विचार अपने रख सकते हो, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, आप अपने विचार नया एक हो, मैं वोट देता हूँ राजीव गांधी को, मेरे नहीं सर कोई मुझे इस बात का ही मुझे मौलिक अधिकार है, बस मौलिक अधिकार है भारत में, ठीक है, उसमें से एक ये है कि मैं किसी के लिए बोल सकता हूँ जो मुझे अपने विचार के, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सोच कि तुम भी ये मानो, लेकिन मेरी ये विचार है राजीव गांधी को तो है बनाइए ना, मैं मुझे बदल लू, जैसे मनमोहन सिंह जी का आया था कि खास और लोगों ने फेसबुक पे लिखा था चोर है, अब ये किसी को मालूम था ये तो सब कोई कोई थोड़ा बनाया था, उन्होंने बनाया तो ही कहीं ये मेरा मौलिक अधिकार, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मौलिक अधिकार का यूटिलाइज है क्योंकि भारत के संविधान का हम अच्छे समझते हैं, ठीक है, तो उसका यूटिलाइज करके हम एक एक पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, अभी अगर मान लो पूरे कैंपेन का बात करते हैं, जैसे कि यही हिमाचल साहब का उन्होंने दीगा, अगर पूरा हर जगह पे छा जाना है पूरी दिल्ली बोली, ठीक है, तो अगर हम इसके लिए पूरा प्लानिंग करेंगे जो 4-5 जगह पूरा बदला हो जाएंगे, ठीक है, पूरा तो इसमें कम से कम जो कॉस्टिंग आनी है हमारी 10 लाख रुपये, ठीक है ना, कम से कम। So Abhishek will charge 10 lakh rupees to promote defamatory content on Cobra Post founder Anirudh Behl. Further, he explains his indirect method of capitalizing on current affairs to gain mileage for his political cause. He gives a fiercely misleading political twist to the Patna blasts of late October, apparently targeting Narendra Modi's rally. मोदी के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र शुरू हो गए, पटना में नहीं बताया वहाँ के उसमें क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव प्रचार भी नहीं करेगा, पटना की रैली के बाद सभी लोगों को खलबली साफ नजर आ रही है, हमने पूरा और अपना हुआ मचा दिया अंदर कि भैया नीतीश कुमार परेशान हो गए, ठीक है, घबरा गए हैं इसीलिए उन्होंने बम धमाके वहाँ के करवा दिए ये वो, ऐसे करके हम बताना चाह रहे हैं, तो इसी लोगों को और बड़ी और बड़ी धन था कि मकसद क्या है हमारा, खाली ये बताना है कि मोदी जी साफ छोड़ दो सही बात है, तो खाली मजबूत तो फीवर मिलेगा, अब देखो अब हमने क्या किया कि हमने एक सिंगारे की कुड़िया डाल दिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है बीच में डाल दिया, तो बदलाव नहीं समझिए इससे क्या फायदा है, ये हमने छाप दिया तो इससे क्या होता है, सामने वाला बंदा सोचेगा क्या ये अंडर काम नहीं है अपना, ये नॉर्मल काम होता है, ये सब हमारा मकसद। अच्छा Those of you blinded by the fog of rumors about the Patna blasts, Abhishek clears the air. He confesses to have been the source of the rumor. In his words, "हमने पूरी और हंगामा मचा दिया कि नीतीश कुमार परेशान हो गए। ठीक है, घबरा गए हैं, इसलिए उन्होंने बम धमाके करवा दिए। ये वो ऐसा करके हमें बताना चाह रहे हैं। The following confession is yet another instance of Abhishek's mastery at negative propaganda. Welcome to the Thaluwa Club. Where all are invited to engage in Congress bashing.
Abhishek tells the reporter that a good mix of positive and negative campaigning lends credibility to his online defamation operations. If you ever thought how sensitive events turn into vitriolic viral propaganda, Abhishek just gave you an insight. He now seals the deal with the reporter to generate negative propaganda for the editor of Cobra Post. मुझे बता देना जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है ना, ताकि मैं फिर उसकी ना और दूसरा उसका पेज का पेज कर दूं तो लिख के दे दो। मसाला जितना दे सकते हो ना, इसी पे तो हम कार्यक्रम शुरू करें। ये तो उन्होंने कर दू मुझे, ये फेसबुक पेज .com पेज कोबरा पोस्ट और ये क्या इसका इसने पेजेस बना रखे हैं, बड़े तरीके से काम कर रही है। हाँ तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत तरीके से काम कर रही है। ये सीधा साधारण आदमी नहीं है, इसके इस पे देख के समझ गया ना। कैसे? ये जो इसने ना पेज बनाया है खास, इससे ये सबको टारगेट करेगा, सबको खबर करेगा। इसके बहुत किसी का कर सकता है ये, इसके पास अच्छे खासे वो है। Not paid salary to his employer for the last 6 months. Anirudh behaved rudely with his employer. Anirudh has been dragged into a legal battle for shipping of a heavy amount belonging to his friend. Anirudh has violated several human rights laws in the country. Anirudh has also cheated in ex-boss and siphoned off crores of rupees from his office. Anirudh has also associated with several multi-crore scams in the country. Anirudh has several criminal cases pending on him in foreign countries. Anirudh tried to kill one of his close associates few years. अबे है भी कभी मगर नाम दे नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, शाम को अलग आएगा। Anirudh has also been charged of murder in Jubaliganj in UP. Anirudh ये कहाँ पे भाई? यूपी में ही बता रहा हूँ। वहाँ पे निकल वो। Anirudh has been charged for kidnapping of same ही है, मैं सोचा अलग अलग है। नहीं तो बढ़िया था, करके इसको गलत मार दबा के गेम बजा दो, वायरल फैला दो इनका। Our reporter meets Abhishek with his homework complete. He reads out a host of bogus charges against Anirudh Pehel, which Abhishek readily agrees to make viral. For an advance payment of 10,000 rupees, the defamation project is initiated. It was decided that the reporter will meet Abhishek again with another 40,000 rupees as the complete first installment for starting the defamation process. For a small organization such as ours,
That is a huge amount for this exercise. Our reporter follows up with Abhishek on telephone instead of meeting in person. अरे भाई पहुंच तो जाऊंगा, मैंने इनसे बात की है अभी। तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी, देखो सुनो, पेमेंट इनकी है, मैंने इनसे बात कर ली है, पेमेंट इन्होंने मेरे पास दे दी है पेमेंट। ये कह रहे हैं पेमेंट तुम तब रिलीज करना, पहले देख लो। तो अब ये कह रहे हैं कि कम से कम कुछ आप दिखाओ तो सही, तभी तो हम पेमेंट करें आपको। पेमेंट तो रखिए मेरे पास यार, मैं हाँ देखो, मैंने जो कमिटमेंट की थी वो काम मैंने किया है और आज भी वो काम चल रहा है, ठीक है। और उसका रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख के काफी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। और वो सारा प्रोसेस है जो मुझे एक एक करके करना ही करना है, ठीक है ना। अब जो चीजें मैंने की है वो आप देखो, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे हाँ आपने जो बोला था वो सारा काम किया है और अभी बिल्कुल सही काम चल रहा है। अब इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, अभी चीजें ओपन है, वो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। अभिषेक में तू मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा यार, मेरी बात समझना, मेरी चीज को समझ ले। मेरी जगह पे अगर अपने आप को रखोगे ना तुम, तब समझ पाओगे यार। पेमेंट मेरे हाथ में है, देखो पेमेंट मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ पेमेंट, पेमेंट की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि उनका डायरेक्शन बस इतना है कि वो ये बोलते हैं कि यार रिजल्ट कुछ कोई परसेंट तो दिखे, 5%, 2%, 1% तो दिखे मेरे रिजल्ट, है ना, रिजल्ट तो दिख रहा है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें जितनी हुई है वो देखो आप खुद ही देख के उसे कहोगे कि हाँ आपने काम बहुत अच्छा कर लिया है। अब एक रात में काम कितना हो सकता है यार, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है काम। नहीं मैं तेरी बात स्पीड में हमने करवाया, देख मैं तेरी बात बिल्कुल मानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं तेरी हर चीज समझ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझ वो ये कहते हैं कि अगर वो किसी को बोले तो दीख, कोई 2-4-5 कमेंट जो तुमने डाले वो दिखने चाहिए कहीं पे भी, बस इतना बात है। पढ़ ही रहे ना, कमेंट तो धीरे-धीरे पढ़ेंगे ना यार। हमारे बंदे ने काम करना शुरू कर दिया है, वो कमेंट हो ही रहा है। अगर आपको कमेंट देखना है तो आप एक दिन बाद देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तू मेरी सिचुएशन नहीं मेरी समझ नहीं रहा सिचुएशन। तू मुझे सिर्फ खाली जब, जैसे मान लो कोई भी बंदा खोले कहीं इंटरनेट कैफे में या अपने ऑफिस में कहीं पे भी खोल के देखना चाहे, वो बंदा सिर्फ वो कमेंट देख ले, जैसे तुम बोल रहे थे ना कि एक तरफ आतंकवादी का फोटो होगा, एक तरफ अनिल का फोटो, अरे वो देख लेगा भाई साहब, बस यही तो कह रहा हूँ मैं, आप कैसे कहो तुम मुझे, बस वही वो सामने दिख रहा है। कहाँ पे किस जगह देखें बताओ, अगर हम उनको बोलूं कि कहाँ देखें वो, आप वही चीज, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सामने सामने सारा कुछ यार मेरे मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने यहाँ देख लें, बस खाली इतना हो जाए। मेरे देखने से कोई नहीं फर्क पड़ता यार, मैं तो तुझसे प्रिंट आउट ले लूंगा यार भाई, मैं तो प्रिंट आउट ले रहा हूँ। आप एक काम करो मेरे साथ मिल लो, आप भले ही पैसे मत दो, ठीक है, प्रिंट आउट ले जाओ और मैं आपको जो है पेज दे देता हूँ, वो पेज जाकर के उनको आप दिखा देना, आपको कहीं भी कैफे में बैठ के कहीं भी किस सिस्टम पर बैठ के देख लेंगे, कमेंट्स उस पर धीरे धीरे लोगों के चल रहे हैं, ठीक है ना। Having established the intent and readiness of Abhishek Kumar and for paucity of funds, we aborted the exercise. And just as well that we did, because the founder of Cobra Post just escaped a merciless assassination of his character.